हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड। इस पर्टिकुलर वीडियो में इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, स्लेटर रूल के द्वारा इसको कैलकुलेट करना सीखेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे, एग्जाम्पल्स के द्वारा समझेंगे, साथ ही साथ इसका एप्लीकेशन भी देखेंगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक पॉइंट को डिटेल में समझेंगे। स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट से कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। सो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस लेस अट्रैक्शन फोर्स फ्रॉम न्यूक्लियस ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन। दिस डिक्रीज न्यूक्लियर चार्ज इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड रिप्रेजेंटेड बाय जेड इफेक्टिव। ठीक है, सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बेसिक अगर आप समझे। सो आपको पता है कि ये किसी भी एटम के बीच में जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके चारों ओर इस प्रकार के ऑर्बिटल्स होते हैं एंड इन्हीं ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। सो ये जो आउटर वाला जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसे वैलेंस सेल्स कहा जाता है। ठीक है, ये जो सेल्स होते हैं इसे वैलेंस सेल कहेंगे, और ये बीच ये जो होगा ये इनर सेल होगा। ठीक है, तो इसका जो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसका न्यूक्लियस के प्रति अट्रैक्शन जो है कम होगा। क्यों? क्योंकि ये जो इनर सेल के जो इलेक्ट्रॉन है, ये शील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, एक प्रकार के शील्ड की तरह जो है ढाल की तरह यहां पे होते हैं, जिसके कारण ये जो वैलेंस वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन के ये जो न्यूक्लियस के प्रति जो है कम अट्रैक्शन, ठीक है, इनका जो अट्रैक्शन फोर्स होता है ये लेस होता है। ठीक है, तो वही कहा गया है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस लेस अट्रैक्शन फोर्स फ्रॉम न्यूक्लियस ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट के कारण वैलेंस सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो कम अट्रैक्शन फोर्स जो है एक्सपीरियंस करते हैं न्यूक्लियस के प्रति। ठीक है, बिकॉज ऑफ शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन एंड दिस डिक्रीज न्यूक्लियर चार्ज इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो इस शील्डिंग इफेक्ट के कारण जो इस इलेक्ट्रॉन का जो न्यूक्लियर चार्ज जो डिक्रीज होगा, ठीक है, उसी को ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहा जाता है। ठीक है, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। इस वैलेंस सेल में उपस्थित ये जो इलेक्ट्रॉन इस इनर सेल के शील्डिंग इफेक्ट के कारण न्यूक्लियस के प्रति जो कम जो अट्रैक्शन, ठीक है, लेस अट्रैक्शन शो करता है, जो इसका न्यूक्लियर चार्ज जो डिक्रीज होता है, उसी को ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहा जाता है। ठीक है, इसको जेड इफेक्टिव के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको निकालते कैसे हैं? द जेड इफेक्टिव कैन बी डिटरमाइंड बाय सब्सट्रैक्टिंग अ स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट फॉर द इनर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज और एटोमिक नंबर। ठीक है, तो ये जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम कैसे निकालेंगे? न्यूक्लियर चार्ज से टोटल स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट को घटा देते हैं। ठीक है, तो इसको बेसिक आप ये बोल सकते हैं कि एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज फेल्ट बाय इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, एग्जांपल से समझेंगे तो ये पॉइंट आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन मेन डेफिनेशन यही है कि जो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज जो इलेक्ट्रॉन फील करता है, ठीक है, जो उसी को ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहा जाता है। ठीक है, एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज फेल्ट बाय इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये शील्डिंग इफेक्ट, ये सब के बाद जो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, जो फील करेगा, उसको ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहेंगे। अब मेन क्या है, देखिए, ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अगर आपको 2 मार्क्स में पूछा जाता है व्हाट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो आप ये लिखेंगे। लेकिन मेनली जो बीएससी या एमएससी सेमेस्टर एग्जाम्स में आपको स्लेटर रूल्स के द्वारा किस प्रकार से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है, कोई भी एलिमेंट दे दिया रहेगा उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने के लिए बोलेगा। तो इसके लिए कैसे निकालते हैं, हम स्लेटर रूल्स के द्वारा जो है हम निकालते हैं। तो स्लेटर ने ये रूल दिया था, इसलिए इसको स्लेटर रूल्स कहा जाता है। तो सबसे पहले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने के लिए हमको क्या क्या जरूरत पड़ेगी, इस टोटल स्क्रीनिंग कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी और न्यूक्लियर चार्ज की, मतलब कि एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट दिया रहेगा उसका एटॉमिक नंबर तो आपको पता होगा, लेकिन पहले उसका स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद दोनों को घटाएंगे तो हमारा ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकलेगा। तो सबसे पहले राइट द कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट एंड डिवाइड द इलेक्ट्रॉन इनटू द फॉलोइंग ऑर्बिटल ग्रुप स्टार्टिंग फ्रॉम इनसाइड ऑफ द एटम्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपका एलिमेंट दिया रहेगा उसका जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखना है, उसके बाद फिर उसको जो है ग्रुप्स में डिवाइड करना है। ठीक है, ऑर्बिटल ग्रुप्स में, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, सिंपल सा है, मतलब पहले 1s 2s 2p 3s 3p इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। सो 1s का एक ग्रुप बनेगा sp, ठीक है, तो ये दूसरे नंबर का ऑर्बिटल है sp, तो ये एक ग्रुप बनेगा, ये 3 वाला, ठीक है, sp एक ग्रुप बनेगा और d अलग से एक ग्रुप बनेगा,
एस और पी, फोर फोर वाला एक बनेगा, थ्री डी एंड फोर एफ, ठीक है। इस प्रकार से ग्रुप में आपको डिवाइड कर लेना है। उसके बाद नाउ सिलेक्ट द इलेक्ट्रॉन फॉर विच द वैल्यू ऑफ एस इज टू बी कैलकुलेटेड। फॉर दिस कैलकुलेशन एड अप द कंट्रीब्यूशन ऑफ एस फॉर अदर इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंगली द फॉलोइंग रूल्स, ठीक है। अब हमको जिस भी इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालना है उसको चूज करना है, सिलेक्ट करना है। तो फिर स्क्रीनिंग कांस्टेंट जो हम निकालेंगे वो जो है आगे जो हम रूल देखेंगे उसके द्वारा हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसके रूल्स से, ठीक है। मेन तो ये मेन है, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ एस फॉर द फॉर ईच इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, ऑल इलेक्ट्रॉन ग्रुप आउटसाइड द सिलेक्टेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कोई भी देखिए ये एग्जांपल देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहां पे बेसिक मैं बता देता हूं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जिसको हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, जिसको हम चूज करेंगे उसका निकालने के लिए, स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालने के लिए, तो उस इलेक्ट्रॉन के इधर साइड, ठीक है, आउटसाइड जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है, उन सभी जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उन सभी के लिए जो एस कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, एस का, वो जीरो होगा। और इलेक्ट्रॉन बिलोंग टू द सेम ग्रुप, ठीक है, अगर सेम ग्रुप में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके लिए कितना कंट्रीब्यूशन होगा, 0.35, ठीक है, 0.30 फॉर 1s इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर 1s के किसी इलेक्ट्रॉन का अगर आप चूज करते हैं तो उसके लिए 0.30 होगा, लेकिन अगर सेम ग्रुप होगा तो आपका 0.35 होगा। एंड ऑल इलेक्ट्रॉन इन सेल्स इमीडिएटली इनसाइड, ठीक है, इमीडिएटली इनसाइड का अगर कोई सेल आप चूज करते हैं तो उसके लिए 0.85 होगा, एंड उसके बाद जितने भी इनसाइड वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनके लिए 1 होगा, ठीक है। अब इसको देखिए एग्जांपल्स के द्वारा समझते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन एटम एक एग्जांपल लेंगे। तो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकालना है। तो नाइट्रोजन का 7 होता है एटॉमिक नंबर, तो 1s2 एंड 2s2 एंड 2p3 हो जाएगा। अब फिर इसको ग्रुप में डिवाइड करेंगे तो ये एक ग्रुप बनेगा। उसके बाद sp दो ऑर्बिटल दूसरे नंबर वाले ऑर्बिटल में है तो ये दूसरा ग्रुप बन गया। उसके बाद हियर 2p इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन एटम इज इन सेकंड ऑर्बिटल वेयर अदर फोर इलेक्ट्रॉन 2s एंड 2p आर ऑल्सो प्रेजेंट देयर, ठीक है। तो बेसिकली हमको हम यहाँ पे अब चूज करेंगे कि कौन से इलेक्ट्रॉन का हमको स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट निकालना है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं इस p के, जैसे p में भी आपके जो है तीन सबसेल्स होंगे px py एंड pz, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा मतलब, तो इसका जो है हमको स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट निकालना है, ठीक है इसका। तो यहाँ पे एक चीज आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जिस भी ग्रुप का इलेक्ट्रॉन को आप चूज करते हैं उसमें जो है आपको एक कम करना है, ठीक है, मतलब उस एक इलेक्ट्रॉन हमने चूज कर लिया कि इसका हमको स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालना है, उसके बाद बाकी जो इलेक्ट्रॉन है उसका हमको कैलकुलेट करना है तो उसको जो है आपको एक कम करके करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए स्क्रीनिंग इफेक्ट फॉर दिस फोर इलेक्ट्रॉन इज, ठीक है, तो ये इस ग्रुप के लिए अब हम जो है स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालेंगे। तो यहाँ पे चार हम कंसिडर करेंगे, चार इलेक्ट्रॉन कंसिडर करेंगे एक छोड़ के, ठीक है, जो भी आउटर वाला जो होगा आपका सबसे बाहर वाला जो ग्रुप होगा उसमें एक कम इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, ठीक है, ये रूल्स है तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे चार इलेक्ट्रॉन हमने लिखा इस ग्रुप के लिए और इसको 0.35 से करेंगे क्योंकि वही है बिलोंग टू द सेम ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन हमने चूज किया है और बाकी जो चार इलेक्ट्रॉन का हम निकाल रहे हैं वो सेम ग्रुप के हैं। तो यहाँ पे हम 0.35 से इंटू कर देंगे तो 1.40 हो जाएगा। उसके बाद स्क्रीनिंग इफेक्ट फॉर टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसके बाद इस ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन है तो इसकी जस्ट इमीडिएटली है ये, तो 0.85 से इसको गुणा कर देंगे तो ये टू दो इलेक्ट्रॉन और 0.85 से गुणा करेंगे तो 1.70। तो टोटल सिक्स इलेक्ट्रॉन के लिए हमारा स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट कितना हो जाएगा, 1.40 प्लस 1.70 तो 3.10 हो जाएगा। उसके बाद न्यूक्लियर चार्ज फेल्ट बाय पी और इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन एटम, ठीक है, अब न्यूक्लियर चार्ज निकालना है तो वही फॉर्मूला आप रख देंगे, जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस एस, जेड का आपका मान आ गया है, जेड का 7 है, ठीक है, एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का, एस स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट आपका निकल गया है 3.10, तो दोनों को घटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका जेड इफेक्टिव, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, नाइट्रोजन के लिए। तो इस प्रकार से आपको निकालना है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं एल्यूमिनियम का। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले आप लिखेंगे, एल्यूमिनियम 13 होगा एटॉमिक नंबर, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p1, ठीक है। अब इसको ग्रुप में डिवाइड करेंगे, 1s का एक ग्रुप हो जाएगा, 2s एंड 2p का एक ग्रुप हो जाएगा, 3s एंड 3p का एक ग्रुप हो जाएगा। अब टोटल s हमको निकालना है तो टोटल s निकालना है, ठीक है। अब देखिए ये s कितना कंट्रीब्यूट करेगा, तो ये
इसका तो हम एक कम कर देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन का मान लो हम लोग निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन बच गया इस ग्रुप में, तो 2 × 0.35 होगा, सेम ग्रुप में है, उसके जस्ट इमीडिएटली वाले ग्रुप में 0.85 हो जाएगा, उसके बाद वाले जितने भी ग्रुप यहाँ पे होंगे, ठीक है, यहाँ पे तो सिर्फ एक है 1s, तो इसके लिए एक हो जाएगा, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है 2 × 1, और यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है और 0.85 से गुना होगा, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, क्योंकि आउटर जिसको भी आप कंसिडर करेंगे वहां पे एक कम करेंगे आप, तो यहाँ पे दो होगा 0.35, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये 9 स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकल जाएगा, 9.50, ठीक है। अब यहां पे हमको जो है जेड इफेक्टिव निकालना है, तो जेड माइनस एस, जेड 13 है एटॉमिक नंबर और ये 9.50 स्क्रीनिंग कांस्टेंट, दोनों घटा देंगे तो आपका ये निकल गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, हो गया। इस प्रकार से निकालना है, बहुत सिंपल है, बस आपको जो है ये रूल याद रखना है, ये भी इजी ही है कि जिस भी ग्रुप का पहले सेलेक्ट कर रहे हैं जिस इलेक्ट्रॉन का, उसका आपको एक कम करके उसको 0.35 से गुणा कर देना है, ठीक है, उसके बाद उसके उसके जस्ट बगल वाले जो भी होगा जुड़ा हुआ होगा इमीडिएटली वाला जो सेल होगा उसके लिए 0.85 कर देंगे, जितने इलेक्ट्रॉन है उसको गुणा कर देंगे उसके बाद एक से, ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो ये इजिली बन जाएगा। लेकिन क्वेश्चन आपको किस प्रकार से पूछा जाएगा इसको भी एक देख लेते हैं, जनरली जो है आपको ऑब्जेक्टिव में भी ये टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेनली। सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ 3D ऑर्बिटल इन जेड जिंक जेडन, ठीक है, जिंक जिंक के 3D ऑर्बिटल का आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है, तो सिंपल से आपको जेडन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप निकालेंगे। अब सिर्फ जो है यहाँ पे ग्रुप में बांटने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्पेशली बोल दिया है ना 3D ऑर्बिटल का ही निकालना है, तो 3D ऑर्बिटल में यहाँ पे 10 आ गया, ठीक है, हमारा 3D ऑर्बिटल में आपका 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हमने इसका निकालना है, तो वही फॉर्मूला आपको ये रखना है कि जिस भी ग्रुप को हम चूज कर रहे हैं जिसके इलेक्ट्रॉन का हम निकाल रहे हैं उसमें एक कम कर देंगे, तो ये 9 हो जाएगा, तो 9 को किसके किससे गुणा कर देंगे 0.35 से कर देंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विल बी 0.35, सो वाइल रेस्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट फॉर 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो जो भी ये 9 है इसको 0.35 से गुणा किए और बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन आपके हैं उसको एक से कर देंगे, ठीक है, 6 2 6 2 2, इसके लिए ये जो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन है इसको एक से गुणा कर देंगे तो हमारा 21.5 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, उसके बाद फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने के लिए वही फॉर्मूला में आप रख देंगे, ठीक है, 30 इसका जो है एटॉमिक नंबर है माइनस 21.15, तो ये 8.85 इसका जेड इफेक्टिव निकल जाएगा, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इस प्रकार से आपको निकालना है किसका, ये 3D ऑर्बिटल का जिंक के 3D ऑर्बिटल का ये आपका निकल जाएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सा है, आप प्रैक्टिस कीजिए आपको और इजीली बना लेंगे, ठीक है, तो ये मेन कॉन्सेप्ट हो गया, इसके एग्जांपल के द्वारा हमने स्लेटर रूल्स को भी समझ लिया, ठीक है, स्लेटर रूल से किस प्रकार निकालेंगे। अब मेन है आपका इसका एप्लीकेशन, ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सो मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट कैन बी वेरी वेल एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम किसी भी एलिमेंट्स का पता कर सकते हैं इसके द्वारा। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है फिलिंग ऑफ 4s ऑर्बिटल बिफोर 3d, ठीक है, अभी तक आपने पढ़ा है कि 4s ऑर्बिटल 3d से पहले भरा जाता है, ठीक है, इसको समझ, जैसे कि सिंपल सा है, यहां पे पहले 4s भरेगा उसके बाद 3d भरेगा, यहां पे तो यहां पे 10 है भर गया, लेकिन मान लेते हैं इसको कॉपर है, ठीक है, इसमें 29 होता तो पहले ये 2 भरता उसके बाद यहां पे 9 भरेगा, ठीक है, तो ये तो बेसिक आपको पता है, तो वही इंपैक्ट ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज मोर ऑन 4s देन द 3d ऑर्बिटल, देयरफॉर 4s ऑर्बिटल फिल फर्स्ट एंड ऑर्बिटल आफ्टर दैट, ठीक है, एंड 3D ऑर्बिटल आफ्टर दैट, ठीक है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का जो इम्पैक्ट होता है 4s में ज्यादा होता है, इसीलिए इसमें पहले भरता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया। ऑन आयनाइजेशन ट्रांजिशनल एलिमेंट फर्स्ट लूज ns इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आयनाइजेशन के प्रोसेस में ये होगा, ठीक है, ट्रांजिशनल एलिमेंट जो होंगे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, एंड साइज ऑफ एनायन इज लार्जर एंड दैट ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ न्यूट्रल एटम, ठीक है, तो ये जो है हमको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से ही ये गुण पता चलता है कि एनायन का जो साइज होगा लार्जर होगा, कैटायन का उससे छोटा होगा, एंड न्यूट्रल का स्मॉलर देन दैट ऑफ न्यूट्रल एटम, ठीक है, ठीक है, कैटायन का न्यूट्रल एटम से भी कम होगा, तो ये बेसिकली ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के एप्लीकेशन है, ये पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। एंड पाउलिंग कैलकुलेट इलेक्ट्रोनेगेटिवली ऑफ वेरियस एलिमेंट विथ नेगेटिविटीज ऑफ वेरियस एलिमेंट विद द हेल्प ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से पाउलिंग ने जो है बहुत सारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है नेगेटिविटीज कैलकुलेट किया था, ठीक है,
के बहुत सारे एलिमेंट्स का। तो ये सिंपल से इसके एप्लीकेशन है, ये आपको ध्यान रखना है। कभी कभी पूछ लिया जाता है 2 और 3 मार्क्स में, व्हाट एप्लीकेशन ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको आप अपने एग्जाम में इसको लिख सकते हैं, सेमेस्टर एग्जाम्स में एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी आपको ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा एंड ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको पीडीएफ नोट चाहिए तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट सेक्शन में पीडीएफ स्टोर का लिंक मिलेगा, वहां आप एमएससी एंड बीएससी लेवल के सारे हैंडरिटन नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं यूनिट वाइज, जो डेफिनेटली आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो इफ यू फाइंड हेल्पफुल सो प्लीज चेक आउट दैट पीडीएफ स्टोर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।